शिव कुमार वर्मा ट्रेडर्स चैनल पर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चाहे तो चैनल को फ्री में सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग। चैनल का 5x5 रूल आपकी वेल्थ को प्रोटेक्ट करने के काम आएगा। अगर आप पेनी स्टॉक में निवेश करते हैं तो कम से कम 5 अलग अलग पेनी स्टॉक्स में निवेश कीजिएगा और एक स्टॉक में मैक्सिमम 5% तक का ही निवेश करना हमारे चैनल के रिकमेंडेशन रहेगा। हमारी ट्रेड्स को कॉपी करना है, यूट्यूब के पेड मेंबर बन सकते हैं 299 के एडवांस पैकेज लेकर। बात करेंगे जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। देखिए, गौतम अदानी जी ने काफी बड़े लेवल पर अनाउंस किया है कि वो अब 5G में यहां पर सर्विस प्रोवाइड करेंगे, बट वो लिमिटेड एरियाज में ही सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो क्या होगा आगे की रणनीति जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर में, अगर यहां पर गौतम अदानी जी, जैसे रूमर्स भी चल रही हैं कि गौतम अदानी जी शायद जीटीएल इंफ्रा को पूरा का पूरा खरीद लेंगे, अपने पास में पैसे की कमी नहीं है, बैंक लोन देने के लिए तैयार हैं। तो इसलिए ये आपको हमारी तरफ से जीटीएल इंफ्रा का बाय एंड होल्ड की रिकमेंडेशन है। 5G का बहुत ही पॉजिटिव इंपैक्ट आएगा जीटीएल इंफ्रा जैसी कंपनी के ऊपर। बहुत बड़े वॉल्यूम के साथ डिलीवरी भी ज्यादा हो रही है स्टॉक में, जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट में यहां पर क्लियर इंडिकेशन है कि लोअर लेवल पर इसकी बाइंग हो रही है। देखिए, इसकी सर्किट लिमिट 10% से घटाकर 5% कर दी गई है जीटीएल इंफ्रा की। तो आप ध्यान रखिएगा, अब गिरावट इतनी ज्यादा नहीं होगी और यहां से कंसोलिडेट होकर ये फिर ऊपर चलेगा। अगर इनके प्रमोटर होल्डिंग देखी जाए तो यहां पर जो इंस्टीट्यूट है वो 59% की होल्डिंग बना के रखे हैं, पब्लिक के पास में सिर्फ 19% की होल्डिंग है यहां पर। तो इस हिसाब से काफी बड़े लेवल की इंस्टीट्यूट्स ने इसको खरीद के रखा हुआ है। और अगर रिवेन्यू की बात करें तो 14 बिलियन पर ईयर के आसपास ऑन एवरेज इसका चल रहा है पिछले 3 सालों से, और कंटिन्यू भी इसी रेट पर रहेगा ये। बट 5G विल ब्रिंग अ बिगर अपॉर्चुनिटी। शायद 1 साल के बाद हमारे हिसाब से ये हो सकता है आपको 20 बिलियन तक रेवेन्यू जनरेट करके दे इंफ्रास्ट्रक्चर की तरह से। यहां पर लोगों को डिमांड रहेगी तो पैसे देकर उसको खरीदेंगे सर्विस को। सेल्स जीटीएल इंफ्रा की थोड़ा सा सबड्यूड है, फ्लैट है, पर यहां पर अगर हम बात करें, सुप्रीम कोर्ट ने जो उन्होंने डिसमिस किया था जीटीएल इंफ्रा का प्रोसीडिंग, वो अब बैलेंस डेप्ट टू EARC को यहां पर इन्होंने असाइनमेंट किया है। द कंपनी विल नाउ वेट फॉर द डायरेक्शन फ्रॉम द लेंडर ऑन द वे फॉरवर्ड which include pursuing the proceeding before the NCLT court. तो ये NCLT में भी इनका मामला अभी थोड़ा लंबा चलेगा, NCLT में भी इतने जल्दी खत्म नहीं होता है काम। And they are putting optical fiber for better 5G coverage and remote areas में public and private partnership के through ये project को execute कर रहे हैं। More efficient use of optical fiber provide करेंगे आगे चलकर। ये देखिए, telecom segments में generally 5G और टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कर रहे हैं बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी, रिक्वायर्ड स्पेक्ट्रम ऑक्शंस, जो कि आगे 5G के लिए 9 सर्कल में ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया गया है 5G के एक्टिव। 5G इज गोइंग टू बी अ वेरी बिग फॉर इंडियन टेलीकॉम सेक्टर, इंक्लूडिंग जीटीएल इंफ्रा, द वन जो उसको इंफ्रास्ट्रक्चर के टावर्स प्रोवाइड करती है। देखिए, अगर टावर ही नहीं होंगे तो कोई भी अपना नेटवर्क पर नहीं जा पाएगा। जियो का हटा दीजिए, बट मोस्ट ऑफ द प्लेसेस, अगर आप एयरटेल की बात करें या फिर वोडाफोन आइडिया की बात करें, तो दोनों के दोनों पर ये जीटीएल इंफ्रा का काफी तकड़ा अमाउंट है जो इसको डिपेंडेंट कर रहे हैं। 5G आपको देखिए, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इंडिया में बैठकर यूरोप में कार चलाई है, तो ये एक फीजिबिलिटी है जो रियलिटी बनती जा रही है। यहां पर डेप्ट टू इक्विटी रेशियो कन्वर्ट कर रहे हैं, इन्होंने अनाउंस किया है 8 लाख करोड़ के अप्रोक्सीमेट शेयर। ये यहां पर 129 इंटरेस्ट पेयरिंग कन्वर्जन बॉन्ड को ₹10 के शेयर पर कन्वर्ट कर रहे हैं। तो देखिए, लोग बाग इसको भाव को ₹10 पर भी खरीद रहे हैं इन टर्म्स ऑफ डेप्ट के रेफरेंस में। तो ये स्टॉक का विजन काफी बड़ा है, आगे चलकर स्टॉक काफी मल्टीबैगर बनेगा। अभी आपको डर्ट चीप प्राइस पर मिल रहा है, ₹1.30 के आसपास। गौतम अदानी जी जिस दिन अनाउंस करेंगे कि ये इसमें निवेश करेंगे, ये इसके लिए बहुत ही बड़ा दिन होगा GTL इंफ्रास्ट्रक्चर का। आप इसको अक्यूमुलेट करके रखिए, अपने पास होल्ड करके रखिए, दिस विल बी वन ऑफ द बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर यू। फ्यूचर लीडर बिलोंग्स टू डिजिटल रिजोल्यूशन, ये आपको क्लियर है। एजिलिटी चाहिए, इनोवेशन चाहिए, जिसके लिए यहां पर GTL इंफ्रा की ट्रेडिंग सर्कल में खबर चल रही है कि ये गौतम अदानी जी इसको पूरी तरह से एक्वायर कर लेंगे। कैश फ्लो एक चैलेंज है डेफिनेटली यहां पर। कैश फ्लो में अगर हम बात करें यहां पर कंपनी को, 1990s से यहां पर इन्होंने ये सर्विस शुरू की थी, और अब इनको चैलेंज बन रहा है कि यहां पर
इतना बड़ा लेवल का एक्सपेंशन हुआ है और 5G के चलते हुए तो काफी बड़े लोगों की बात कर रहे हैं। यहाँ पर प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि गांव के रिमोट में हमारे को दिखाना है डाटा नेटवर्क यूजेज। तो डेप्थ इंक्रीज हुआ है इनका एक्सपेंशन की वजह से, जिसकी वजह से इनका जो हाई कॉस्ट है वो इंटरेस्ट पर जा रहा है। अगर 2010 की बात की जाए तो इन्होंने करीब 122 लाइसेंसेस जो हैं इनके कैंसिल हुए थे, तो ये थोड़ी सी दिक्कत की पोजीशन है इनकी करंट मार्केट सिचुएशन पर। कॉर्पोरेट डेप्ट रिस्ट्रक्चरिंग की बात चल रही है और वो फर्दर अब अपने डेप्ट को रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे। 450 करोड़ का जो इनका डेप्ट है, देखिए दिस विल बिकम अ वेरी बिग बॉटल, जिनी बॉटल। जो एक बार डेप्ट रिस्ट्रक्चर हुआ तो ये इसको बड़े लेवल पर स्टॉक चलेगा, 10 रुपए के ऊपर ये फंडामेंटली हमारे हिसाब से स्टॉक होना चाहिए। 1,700 करोड़ की कंपनी है, इसमें करीब 5 करोड़ शेयर डेली हैंड एक्सचेंज होते हैं, 52% की डिलीवरी है यहाँ पर जीटीएल इंफ्रा की, और कोविड का इंपैक्ट अब यहाँ पर पॉजिटिव है। दिस प्रोवाइड अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर लॉन्ग टर्म निवेशक। यहाँ पर 3% की प्रमोटर होल्डिंग, 46% की FII की होल्डिंग है, DII की होल्डिंग है और 50% की पब्लिक की होल्डिंग है। इसमें ध्यान रखिए प्रमोटर की होल्डिंग कम होना एक रेड फ्लैग इंडिकेट करता है। 50% से अगर कम है प्रमोटर की होल्डिंग तो वो स्टेक थोड़ा सा पेनी स्टॉक की तरह से ट्रीट कीजिएगा। रेवेन्यू जैसा बताया और साथ साथ में लॉस भी करीब 1,400 करोड़ का इनका एवरेज कंसिस्टेंटली पिछले 5 सालों से चला रहा है। अगर हम यहाँ पर इनका टेक्निकल व्यू देखें तो देखिए कल 1.40 रुपये पर अच्छा बाउंस दिखाए, 1.30 रुपये जैसे मॉरिमी थी, 1.30 रुपये से लेकर 1.35 रुपये के बीच में काफी अच्छी क्वांटिटी अक्यूमुलेट कर सकते हैं। ये फिर से अभी अपने नए लेवल 2 रुपये के आसपास चलने की कोशिश करेगा अगर मार्केट इसको सपोर्ट करता है। एलिगेट इंडिकेटर के बेसिस पर देखें तो यहाँ पर जैसे ही 1.50 रुपये क्लोज होगा ये फिर 2 रुपये का टारगेट इसका रहेगा। 1.55 रुपये इसका एक रेजिस्टेंस है सुपर ट्रेंड का, बट वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं माना जाएगा यहाँ पर। वोटेक्स इंडिकेटर ने अभी भी यहाँ पर सेल सिग्नल मेंटेन किया है, बट ग्रीन शायद इसको क्विकली अप ट्रिक पर लेकर जाएगा। बुलिंदर बैंड के हायर लेवल पर आपको कभी नहीं खरीदना। देखिए एग्जांपल हम हमेशा बताते हैं, जब भी आप यहाँ पर कैंडल को देखिए बाहर निकल गई है तो यहाँ खरीदिए नहीं, ये खरीदने का जो सही मौका है इस लेवल के नीचे है। तो 1.50 रुपये से लेकर 1.30 रुपये के बीच में खरीद कर ये फिर से बाउंस के लिए अब तैयार हो रहा है। मैकडी ने इसको सेल सिग्नल जनरेट किया हुआ था यहाँ से और अब ये पिछले 3 दिनों से कंटिन्यूअसली ग्रीन कैंडल पब्लिश हो रही है इसमें, जो कि बहुत ही पॉजिटिव ट्रेंड माना जाएगा हमारे हिसाब से इस स्टॉक के लिए। आप चाहें तो इसको अपने पोर्टफोलियो में ऐड कीजिए, हमारे साथ ट्रेनिंग करिए, मिल ड्रॉप करेंगे। जय हिंद जय भारत।